मार्केट में मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलेगी, सही दाम उसको मिलने जा रहा है। और आखिरी बात आपसे कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी ने सेना के खिलाफ, हिंदुस्तान के खिलाफ अग्निवीर योजना लागू की है। ये योजना हिंदुस्तान के किसी युवा को नहीं अच्छी लगती। जैसे हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, ये अग्निवीर योजना को उठा के हम बाहर फेंक देंगे, खत्म कर देंगे, इसकी कोई जरूरत नहीं है। नमस्कार, देख रहे हैं आप सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लगातार वरिष्ठ नेताओं का बिहार दौरा जारी है। इस कड़ी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी आज बिहार दौरा किया। बता दें आपको कि राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी भी मंच साझा करते हुए नजर आए। इस कड़ी में अपने प्रत्याशी अजीत शर्मा के पक्ष में वोट मांगते हुए नजर आए जनता से, तो वही भाजपा पर तंज कसते हुए नजर आए राहुल गांधी। आपको बता दें कि लगातार बीजेपी की ओर से यह दावा किया जा रहा है कि अब की बार 400 पार, इस पर तंज कसते हुए नजर आए राहुल गांधी और कहते हुए नजर आए कि ये लोग चाहे जितना भी कह ले कि इतनी सीट आएगी उतनी सीट आएगी, लेकिन हकीकत यही है कि ये 150 से अधिक सीट ये लोग नहीं ला पाएंगे। इसी के साथ साथ मोदी सरकार की नीतियों पर भी चोट पहुंचाते हुए नजर आए और पूंजीपतियों के लिए काम करने का गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं राहुल गांधी। बताते चले आपको कि आज बड़ा बड़ा बयान देते हुए नजर आए, तो वही भागलपुर में अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांगते हुए नजर आए राहुल गांधी, तो वही एनडीए के खिलाफ हुंकार भरते हुए नजर आए। तमाम बातों को लेकर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं राहुल गांधी, छोड़े जाते हैं आपको उनके बातों के साथ। मार्केट में मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलेगी, सही दाम उसको मिलने जा रहा है। और आखिरी बात आपसे कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी ने सेना के खिलाफ, हिंदुस्तान के खिलाफ अग्निवीर योजना लागू की है। यह योजना हिंदुस्तान के किसी युवा को नहीं अच्छी लगती। जैसे हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, ये अग्निवीर योजना को उठा के हम बाहर फेंक देंगे, खत्म कर देंगे, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान को दो तरीके के शहीद नहीं चाहिए, एक शहीद चाहिए, एक तरीके का शहीद चाहिए। शहीद का दर्जा सबको मिले, पेंशन सबको मिले, कैंटीन सबको मिले, तो अलग अलग तरीके के जवान नहीं चाहिए हमें। इसलिए अग्निवीर योजना को उठा के फेंक देंगे, जैसे पहले होता था वैसे करेंगे। इन्होंने 5 अलग तरीके की जीएसटी बना रखी है, ये जीएसटी को हम बदलेंगे। एक टैक्स होगा, कम से कम टैक्स होगा। और आखिरी बात, हमारे जो मनरेगा का काम करते हैं, आशा आंगनवाड़ी का काम करते हैं, सीधा मैं आपको बता देता हूं, जो आशा और आंगनवाड़ी का काम कर रहे हैं उनकी जो आमदनी है उसको हम दुगना करने जा रहे हैं, और जो मिनिमम वेज है हिंदुस्तान में उसको हम 400 रुपए, कम से कम 400 रुपए का बताने जा रहे हैं। मनरेगा मजदूरों को 400 रुपए मिलने जा रहा है। अब आप हमारे जो 5 कैंडिडेट्स हैं, अजीत शर्मा जी, तारिक अनवर साहब, बीमा भारती जी, जावेद साहब और जयप्रकाश यादव जी का पूरा समर्थन कीजिए, भारी बहुमत से इनको जिताइए और इंडिया गठबंधन की आप सरकार बनाइए। आप सबका दिल से धन्यवाद, नमस्कार। सम्मानित करने के लिए जिलाध्यक्ष प्रवीण चौहान साहब, चंद्रशेखर यादव जी, राजेश सिंह जी, राजेश मिश्रा जी, प्रवीण सिंह कुशवाहा जी, अमित आनंद जी, तरुण पासवान जी, बंटी चौधरी जी, तिरुपति नाथ जी, हमारे भाई पासवान जी, आप तमाम साथियों से निवेदन है, एक बार जोरदार तालियों के साथ आपकी दोनों हाथों ऊपर उठे होने चाहिए। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते रहे, साथ साथ आपका आशीर्वाद इन तमाम जो हमारे प्रत्याशी है उनको निश्चित तौर पर मिलना चाहिए। मोहन प्रकाश जी, तेजस्वी यादव जी, अखिलेश सिंह जी, शकील अहमद खान जी, मुकेश सहनी जी, हमारे गठबंधन के कैंडिडेट श्री अजीत शर्मा जी,
जनाब तारिक अनवर साहब, श्रीमती दीमा भारती जी, मोहम्मद जावेद साहब और श्री जयप्रकाश यादव जी, गठबंधन के हमारे कार्यकर्ता भाई और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, नमस्कार। कैसे आप लोग? चुनाव है और एक तरफ गठबंधन कांग्रेस पार्टी, आरजेडी और इंडिया गठबंधन, और दूसरी तरफ आरएसएस, बीजेपी और हिंदुस्तान के 3-4 अरबपति। देखिए, ये जो चुनाव है ये संविधान को बचाने का चुनाव है। आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, और इंडिया गठबंधन लोकतंत्र को और संविधान को बचाने की कोशिश कर रहा है। आज तक हिंदुस्तान के गरीब लोगों को जो मिला है, दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को जो मिला है, वो संविधान से मिला है। अगर संविधान खत्म हो जाएगा तो जो भी प्रगति हुई है, गरीबों के लिए जो भी किया गया है, वो सब बंद हो जाएगा। मैं आपको 2-3 उदाहरण देना चाहता हूं, 2-3 आंकड़े देना चाहता हूं। आज हिंदुस्तान में 22 ऐसे लोग हैं जिनके पास उतना ही धन है जितना 70 करोड़ हिंदुस्तानियों के पास है। आप सोचिए, एक तरफ 22 लोग, दूसरी तरफ 70 करोड़ लोग। हिंदुस्तान, नरेंद्र मोदी के हिंदुस्तान में 70 करोड़ लोग हिंदुस्तान में ऐसे हैं जिनकी आमदनी 100 रुपए से कम है। एक तरफ अंबानी अदानी, देश का पूरा धन उनको दिया जाता है, और दूसरी तरफ देश के गरीब लोग, किसान, मजदूर, छोटे व्यापारी। और ये 10 साल से नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। कभी आपका ध्यान इधर ले जाएंगे, कभी आपका ध्यान उधर ले जाएंगे, और जब आप इधर उधर देखोगे, नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान का धन वही 5-10-15 लोगों को टकरा दे जाते हैं। नाम आपने सुने, अदानी, अंबानी। अदानी जी को देखिए, हिंदुस्तान के सब एयरपोर्ट, सब पोर्ट, पावर, बिजली, खदाने, सोलर पावर, विंड पावर, डिफेंस, सारा का सारा नरेंद्र मोदी जी ने अदानी जी को पकड़ा दिया है। तो अब सवाल उठता है, हमारा गठबंधन क्या करने जा रहा है? देखिए, ये जो बीजेपी के लोग बोल रहे हैं कि इतनी सीटें आएंगी, उतनी सीटें आएंगी, मैं सीधा बता देता हूं आपको, इनको 150 से ज्यादा नहीं मिलने वाली है। ये जो भी कहना चाहे कह लो, 150 से एक ज्यादा नहीं आने वाली। अब हमारा गठबंधन क्या करेगा, मैं आपको सीधा बता देता हूं। देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने 22-25 लोगों का 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ किया। 16 लाख करोड़ रुपया मतलब जितना हमने किसानों का कर्जा माफ किया था, आपको याद होगा, याद है ना, जितना हमने किसानों का कर्जा माफ किया, अगर आप उसको 25 बार माफ करो, उतना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के 4-5-10 उद्योगपतियों को दिया है कर्जा माफ करके। 25 साल का मनरेगा का पैसा,
उनका माफ हुआ है। तो अब गठबंधन ने निर्णय ले लिया है, जितना पैसा नरेंद्र मोदी ने अरबपतियों को दिया उतना ही पैसा इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी गरीबों को देने जा रही है। हमारी पहली योजना महालक्ष्मी योजना, हिंदुस्तान के सारे गरीब परिवारों की लिस्ट निकालेंगे, हर परिवार में से एक महिला चुनी जाएगी और उस महिला के बैंक अकाउंट में सीधा कांग्रेस पार्टी साल का 1,00,000 रुपया, महीनों का 8,500 रुपए डाल दे। खटाखट हर महीने 8,500 रुपए। ऐसा महिला के बैंक अकाउंट में जाएगा।